दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों VPN Go एप्लीकेशन क्या है और उसे आप अपने फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी VPN Go एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों जैसे आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करेंगे सिंपली यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है VPN Go। दोस्तों जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। मैंने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है। दोस्तों जैसे आप VPN Go एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ एग्री का, आपको एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का एप्लीकेशन का लोगो देखने को मिल जाएगा, इंटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एप्लीकेशन जैसे ही आपके फोन में ओपन होगी आपके सामने ऐड आएगी, ऐड को क्लोज करना है। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि एप्लीकेशन क्या है। तो दोस्तों आपको VPN के नाम से ही पता चल गया होगा कि एक VPN एप्लीकेशन है जहाँ से आप अलग अलग कंट्री के ऐप पर सर्वर कनेक्ट करके अपने फ़ोन में VPN कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको अलग अलग कंट्री के सबसे पहले सर्वर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक सर्वर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले सर्वर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप जिस किसी कंट्री का सर्वर ऐड करना चाहते हैं, इसमें जो भी सर्वर है उसमें आपको पहले क्लिक जिस किसी का ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में इस VPN को आपको अपने फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो भी VPN रहेगा वो यहाँ पर आपके फ़ोन में कनेक्टिंग यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने ऐड आ चुकी है। अगर ऐड आए तो आपको समझ लेना है कि VPN आपके फ़ोन में यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं VPN यहाँ पर मेरे फोन में कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस VPN को डिसकनेक्ट करने के लिए आपको फिर से इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ऐड आएगी तो आपका VPN यहाँ पर डिसकनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरा VPN यहाँ पर डिसकनेक्ट भी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा VPN यहाँ पर डिसकनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन फिर से आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी VPN Go एप्लीकेशन को अपने फोन में इस प्रकार यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और दोस्तों आपने चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।